लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं मुमताज जबरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। शॉर्ट सर्किट के वजह से गन्ने के खेत में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। मोताला तहसील के छिछपुर के किसान एकनाथ बहुरूपे के 2 एकड़ खेत में लगे गन्ने को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिससे उनका लाखों का गन्ना जलकर खाक हो गया। किसान का गन्ना कुछ ही दिनों में काटे जाने वाला था कि यह हादसा हो गया, जिसके कारण वश किसान पूरी तरह हताश हो गया। गन्ने के खेत में महावितरण कंपनी का बिजली का पोल है। इस पोल से गई हुई बिजली की तार इस खेत में लटक रही थी। दोपहर के वक्त तपती धूप में इन तारों में घर्षण होने से उस खेत में चिंगारी गिरी और आग लग गई। आग का पता चलते ही आसपास के किसान उनके मदद के लिए आए। इस आगजनी में किसान के खेत का काफी नुकसान हुआ। बिजली वितरण कंपनी के लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, ऐसा किसान का कहना है। एमएसबी च्या दिरंगाईपणामुळे आम्ही कंप्लेंट केली होती की तार टाइट करा, त्यामुळे त्यांनी केले नाही आणि आज इथं शॉर्ट सर्किट तार तुटून आमचा 2 एकर ऊस जळून खाक झालेला आहे आणि आमचं शेणखत जवळपास कमीत कमी 25 ते 30 ट्राल्या इथं जळून खाक झालेला आहे। अशा प्रकारे आमचं 9 ते 10 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे। आज शेतकऱ्याकडे पाणी नाही आहे, वीज नाही आहे वेळेवर आणि ही असे आम्ही बऱ्याचशा लोकांना फोन केले की इथं काहीतरी फायर ब्रिगेडची गाडी पाठवा, लाईट नाही आहे, पाणी होतं थोडं विहिरीत पण लाईट नाही आहे, त्याच्यामुळे आम्ही ही विझवू शकत नाही। आम्ही खूप लोकांना फोन केले पण इथं कोणीही आलेलं नाही आहे। महाराष्ट्र के बुलढाणा से शेख इमरान की रिपोर्ट, मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त, मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत। लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।